5 अक्टूबर से वर्ल्ड कप की शुरुआत हो रही है और पहला मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। उससे पहले आप सब अपनी फैंटेसी प्लेइंग 11 भी बनाएंगे, तो आइए जानते हैं क्या होगी इस मैच की टॉप फैंटेसी पिक्स। पहले हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीमों के बीच 95 ओडीआई मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 45 इंग्लैंड ने और 44 न्यूजीलैंड ने जीते हैं। वहीं आईसीसी वर्ल्ड कप में ये दोनों टीमें 10 बार आमने सामने हुई हैं, जिसमें दोनों ही टीमों ने 5-5 मुकाबले जीते हैं। वहीं पिच रिपोर्ट की बात करें तो अहमदाबाद की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल रहती है, लेकिन शुरुआती ओवर्स में यहां पर तेज गेंदबाजों को भी मदद मिल सकती है, जबकि मिडल ओवर्स में स्पिनर्स का रोल भी काफी अहम होने वाला है। एवरेज स्कोर की बात करें तो पहले बैटिंग करते हुए नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एवरेज स्कोर 250 रन से 260 रन के बीच रहता है। यहां पर 60% जीत चेज करने वाली टीम हासिल करती है। ऐसे में जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले गेंदबाजी करने का फैसला ले सकती है। वहीं इंजरी अपडेट भी दे दें, कल के मैच में न्यूजीलैंड की तरफ से केन विलियमसन और टीम साउदी नहीं खेलेंगे, जबकि इंग्लैंड की तरफ से उनके मेन खिलाड़ी बेन स्टोक्स आपको खेलते हुए नजर नहीं आने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 की। इंग्लैंड की प्रोबेबल प्लेइंग 11 को देखा जाए तो वो इस प्रकार है: जॉनी बेस्ट्रो, डेविड मलान, जो रूट, हैरी ब्रूक, जॉस बटलर, लियम लिविंगस्टोन, मोइन अली, सैम करन, क्रिस वोक्स और रिस टॉपली में से कोई एक खेल सकता है। वहीं स्पिन गेंदबाज के रूप में आपको आदिल रशीद और तेज गेंदबाजी में आपको मार्क वुड भी दिखेंगे। वहीं न्यूजीलैंड की प्रोबेबल 11 की बात करें तो उसमें डिवॉन कॉनवे, रचिन रविंद्र, डेरी मिचेल, मार्क चैपमैन, टॉम लेथम, जिमी निशम, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सैंटनर, ट्रेंट बोल्ट, लॉकी फर्गसन और इश शोडी हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस मैच की टॉप पिक्स की। तो इंग्लैंड की तरफ से आप जॉनी बेस्ट्रो को अपनी टीम में रख सकते हैं, इस समय वो काफी शानदार फॉर्म में भी हैं। वहीं न्यूजीलैंड टीम से आप डेरी मिचेल को अपनी टीम में रखना चाहेंगे, जो पिछले कुछ समय से न्यूजीलैंड के लिए कमाल की फॉर्म में है और वो एक ऑलराउंडर भी है, तो बल्ले के साथ साथ वो गेंद से भी आपको विकेट निकाल के दे सकते हैं। विकेट कीपर की बात करें तो आपके पास काफी ऑप्शन है, क्योंकि इंग्लैंड में जॉस बटलर और जॉनी बेस्ट्रो है, तो वहीं न्यूजीलैंड में टॉम लेथम और डिवॉन कॉनवे है। इनमें से कोई भी आपको विकेट कीपिंग करते हुए दिख सकता है, तो इनमें से किसी दो को आप अपनी टीम में जरूर रख सकते हैं। हालांकि मैं कहूंगा आप बटलर और कॉनवे के साथ जा सकते हैं, क्योंकि भारत में इनका बल्ला भी खूब चलता है। इसके बाद गेंदबाजों की बात करें तो ट्रेंट बोल्ट आपकी टीम में होने ही चाहिए, जो इस समय बेहतरीन फॉर्म में है। वहीं इंग्लैंड की तरफ से आपको मार्क वुड को अपनी टीम में रखना चाहिए, जो अपनी गति से बल्लेबाजों को काफी परेशान कर सकते हैं। अब फैंटेसी 11 की बात करें तो जॉस बटलर और डिवॉन कॉनवे विकेट कीपर, डेरी मिचेल, जो रूट, डेविड मलान, जॉनी बेस्ट्रो बैट्समैन, लियम लिविंगस्टोन और सैम करन ऑलराउंडर के रूप में आ जाएंगे, जबकि गेंदबाजों के रूप में ट्रेंट बोल्ट, मार्क वुड और इश शोडी को आप अपनी टीम में रख सकते हैं। वहीं अब कप्तान की बात करें तो रूट को आप अपनी टीम का कप्तान और डेरी मिचेल को वाइस कप्तान बना सकते हैं। इनके अलावा डिवॉन कॉनवे या जॉस बटलर भी आपके पास कप्तान के रूप में चॉइस है। तो ये थी इंग्लैंड वर्सेज न्यूजीलैंड मैच की फैंटेसी पिक। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और उम्मीद करते हैं कि आप इस प्लेइंग 11 से खूब ढेर सारे इनाम जीत सकें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी और भी ऐसी अपडेट्स और खबरों को जानने के लिए क्रिकेट एडिक्टर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।